स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल के आर अड्डा में, जहां मैं कुमार पुल लेकर जुड़ चुका हूं आपके साथ 18 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अपने आज के इस वीडियो में हम 18 मई के करंट अफेयर्स को देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी जो साइंस की सीरीज है वो भी शुरू हो चुकी है, उसके वीडियोज आपको मिल जाएंगे, जिसके दो वीडियोज आ भी चुके हैं और जो तीसरा वीडियो वो भी बहुत जल्द आ रहा है। आप इस क्लास की जो PDF है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इस क्लास की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पर जुड़कर सीधे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और आप फेसबुक पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन कन्फेयर्ड इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021। इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021 किसको दिया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, सॉरी हर्षवर्धन, एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी और रमेश पोखरियाल निशंक। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, जो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, शिक्षा मंत्री हैं ये, और इनको ये अवार्ड दिया गया है इनके राइटिंग्स के लिए, जो इन्होंने लिखा हुआ है विगत वर्षों में, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनकी अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर ले तो ये लोकसभा के मेंबर हैं और ये हरिद्वार से ये MP है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हु हैज वोन, ठीक है, हु हैज वोन बेडफ्रेड ब्रिटिश मास्टर गोल्फ। किसने बेडफ्रेड ब्रिटिश मास्टर गोल्फ इस बार जीता है? ऑप्शन रखे हैं, जेसिका एरलैंडो, रिचर्ड ब्लैंड, थॉमस पॉल और शुभांकर शर्मा। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, रिचर्ड ब्लैंड। ठीक है, शुभांकर शर्मा इसमें ओनली इंडियन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये 34th रैंक पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज सेलिब्रेटेड ऑन 16th मई, व्हाट इज द थीम फॉर दिस डे इन 2021। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है, इस बार 2021 में इसका थीम क्या है? ऑप्शन है, लाइट एंड लाइफ, ट्रस्ट साइंस, लाइट इन साइंस या सेव ह्यूमैनिटी। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, ट्रस्ट साइंस। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हम लोग 16 मई को मनाते हैं, जिस दिन की पहला लेजर ऑपरेशन किया गया था, तो इसी डे को याद करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16th मई सेलिब्रेटेड एज नेशनल डेंगू डे अलॉन्ग विद विच डे और डे। भाई अभी तो देखा कि क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल लाइट डे, उसके साथ में 16 मई को ही नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है और यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि इसके साथ में और कौन से दिवस जो है वो 16 मई को मनाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, क्या पहला है, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे यानी कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टूगेदर इन पीस, सिक्किम स्टेटहुड डे या फिर इनमें से सभी। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सिक्किम स्टेटहुड डे मतलब कि इसी दिन सिक्किम की स्थापना की गई थी, ठीक है, और ये 16 मई को सिक्किम की स्थापना की गई थी और इसका जो स्टेटहुड डे है तो वो भी 16 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस भी 16 मई को मनाया जाता है और वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे भी 16 मई को मनाया जाता है। देखो तो सिक्किम स्टेटहुड डे की बात करेंगे तो ये भी सेलिब्रेट हुआ और इसके अंदर में, ठीक है, एक बुक सिक्किम के ऊपर लिखी गई है जिसका नाम है सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस, और इसको लिखने वाले फॉर्मर डिप्लोमेट हैं जिनका नाम क्या है, प्रीत मोहन सिंह, इन्होंने इस किताब को लिखा है। आई होप क्लियर होगा। चलिए तो आप मुझे कमेंट में ये कमेंट करके बताएंगे कि अभी वर्तमान में सिक्किम के गवर्नर और मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे विद द थीम ऑफ एक्सलेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स इन 2021 विल बी सेलिब्रेटेड ऑन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, जिसका इस बार का थीम रहा है कि एक्सलेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम इन 2021, ये कब मनाया जाएगा, 18 मई, 17 मई, 16 मई या 15 मई। तो सही जवाब क्या है, 15 मई को ये मनाया जाएगा। क्या, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम
डे। बात कर ले इंडिया का कौन है अभी टेलीकॉम मिनिस्टर, इंडिया के टेलीकॉम मिनिस्टर का नाम क्या है भाई, इनका नाम है रविशंकर प्रसाद, ठीक है, और ये पटना साहिब से एमपी है। रविशंकर प्रसाद इंडिया के अभी टेलीकॉम मिनिस्टर हैं जो कि पटना साहिब से एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे। वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे विद द थीम मीजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव टुगेदर इन 2021 विल बी सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे कब मनाते हैं जिसकी इस बार का 2021 का थीम रहा है क्या, मीजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव टुगेदर। ऑप्शन ए 19 मई, ऑप्शन बी 18 मई, ऑप्शन सी 17 मई और ऑप्शन डी 16 मई। सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी 17 मई। इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर की बात कर लोगे तो कौन है, हर्षवर्धन जी हैं जो कि चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सिक्स यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक विद द थीम ऑफ स्ट्रीट्स ऑफ लाइफ इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम, ठीक है भाई, यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी डे सेफ्टी वीक जिसका इस बार का थीम रहा है स्ट्रीट्स ऑफ लाइफ, ये कब से कब तक मनाया गया है, 11 से 17 मई, 15 से 21 मई, 18 से 24 मई या फिर 17 से 23 मई। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी 17 से 23 मई को मनाया जाएगा यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जिसका इस बार का थीम है स्ट्रीट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिनाउंड मैथमेटिशियन एम एस नरसिम्हन पास्ड अवे रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिज पॉपुलर थियरम। एम एस नरसिम्हन जो कि भारत के एक महान गणितज्ञ थे, उनका हाल ही में निधन हो गया, 16 मई को उनका निधन हो गया है। तो उनमें से कौन सा थियरम उन्होंने दिया हुआ था, पहला है नरसिम्हन बोस थियरम, दूसरा है नरसिम्हन रामानुजम थियरम, नरसिम्हन सेसादरी थियरम और नरसिम्हन रमन थियरम। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी नरसिम्हन सेसादरी थियरम। एम एस नरसिम्हन और सी सी सेसादरी जी ने मिलकर ये थियरम दिया था। एम एस नरसिम्हन की बात करोगे तो ये एकमात्र ऐसे इंडियन हैं जिनको, ठीक है भाई याद रखना, Only Indian to win King Faisal International Prize, ठीक है, ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनको King Faisal International Prize दिया गया है। इसके अलावा इनको सीवी रमन बर्थ सेंचुरी अवार्ड दिया जा चुका है, इनको भटनागर पुरस्कार 1975 में दिया जा चुका है, इनको थर्ड वर्ल्ड एकेडमी अवार्ड 1987 में दिया गया था, ये रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो भी रह चुके हैं। तो बहुत सारे अवार्ड्स इनको दिए जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एम एस नरसिम्हन क्या थे, इन्होंने नरसिम्हन से सादरी थ्योरम दिया था और एक मैथमेटिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वोन इटालियन ओपन मेन्स सिंगल टाइटल 2021। इटालियन ओपन मेन्स सिंगल टाइटल का 2021 का खिताब किसने जीता है, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, रोजर फेडरर और एंडी मरे। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज वोन इटालियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल 2021। इटालियन ओपन में महिला एकल में किसने 2021 का खिताब जीता है। ऑप्शन ए है ईगा स्वाइटेक, बी है कैरोलिना लिस्कोवा, सी है एस्ले बार्टी और डी है नाओमी ओसाका। तो भाई देखो यहाँ पे ये किसने जीता हुआ है, तो ऑप्शन ए ईगा स्वाइटेक, ठीक है, इन्होंने ये इटालियन ओपन जीता है। ये मात्र 19 साल की है, 19 ईयर्स इनकी एज जो है वो क्या है, 19 साल, और इन्होंने 6060 से कैरोलिना लिस्कोवा को हराया जो कि फर्स्ट रनर अप रही। ये 6060 का जो कॉम्बिनेशन है इसको कहते हैं टेनिस में डबल बेगल। तो यहाँ पे एक स्पोर्ट का अवार्ड भी तैयार हो गया, डबल बेगल, इसका मतलब होता है 6060 से हराना, ठीक है, ये टेनिस का अवार्ड है। तो भाई ईगा स्वीटेक इन्होंने, जो कि पोलैंड की प्लेयर है, इन्होंने चेक की प्लेयर कैरोलिना लिस्कोवा को 6060 यानी कि डबल बेगल से हराकर इटालियन ओपन का महिला खिताब जीता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस एनबीए प्लेयर रिसेंटली इंडक्टेड इनटू नेस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। भाई कौन सा एनबीए प्लेयर, एनबीए की बात हमने कल भी की थी एक अवार्ड को लेके, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि हॉल ऑफ फेम में इनमें से किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है करीम अब्दुल, ऑप्शन बी है कोबे ब्रायंट, ऑप्शन सी है लिब्रॉन जेम्स, ऑप्शन डी है
केविन ड्यूरेंट, सही जवाब क्या है कोबे ब्रायंट, जिनका कोबे ब्रायंट एक बहुत ही मशहूर बास्केटबॉल के प्लेयर थे और इन्होंने 2014 में संन्यास ले लिया था बास्केटबॉल से। 2020 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका देहांत हो गया। इनका उपनाम ब्लैक मांबा था, ये याद रखिएगा, और इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वोन हाई जंप टाइटल इन द बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप इन मैनहट्टन। मैनहट्टन यूएसए में किस भारतीय ने बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में हाई जंप में ऊंची कूद में लगातार खिताब जीते हैं। और ये जो बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप है, ये ओलंपियंस होम कहा जाता है यूएसए में, क्योंकि यहाँ यहीं से सबसे अधिक एथलीट्स निकले हैं यूएसए के जिन्होंने ओलंपिक में मेडल्स जीते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सुशील चंद्राणी, करण मेहरा, तेजस्वनी शंकर या दीपिका प्रथम। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी तेजस्वनी शंकर। इन्होंने यूएसए के बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में जो है वो हाई जंप में मेडल जीते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बारी है कल के क्वेश्चन की, तो उससे पहले आपको बता दें कि भाई पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अब कल के क्वेश्चन की बात कर ले, तो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आयुष मिनिस्ट्री का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सही जवाब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा योग नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धायन होम्योपैथी। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई। वर्तमान में मंत्री हैं श्री श्रीपद यशो नायक, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, राज्य मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार है, और ये नॉर्थ गोवा से लोकसभा के मेंबर हैं। तो ये तो रहे कल के आंसर्स क्वेश्चंस के, जिसका सही जवाब दिया है शिवम ने और ज्योति ने। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। चलो आते हैं अब अगले आज के क्वेश्चन के ऊपर। तो आज के आपके क्वेश्चंस जो हैं वो हैं, कैपिटल एंड करेंसी ऑफ पोलैंड एंड चेक। भाई क्या है कैपिटल और करेंसी पोलैंड की और साथ में चेक की। नेम ऑफ साइक्लोन विच हिट्स वेस्ट इंडिया ऑन 17 में। 17 मई को पश्चिमी भारत को प्रभावित करने वाले चक्रवातीय तूफान का नाम क्या है। और वेक्टर ऑफ डेंगू, डेंगू किसके कारण फैलता है, ठीक है, डेंगू को फैलाने में कौन जिम्मेदार है। तो चलिए वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। साइंस के वीडियोस पड़े हुए हैं और भी बाकी सारे बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर वीडियोस पड़े हुए हैं। तो वीडियोस को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। घर पे रहिए, अच्छे से रहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।